हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो डाली थी MT4 और MT5, उसके अंदर मैंने एक वेबसाइट बताई थी जहां पर आप अपनी .srt फाइल और .bat फाइल को डिकोड करते थे और उसके अंदर से होस्ट आईडी और पोर्ट आईडी निकाल के विदाउट API ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते थे विथ ट्रेडिंग व्यू। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी फाइल तो मिल जा रही है उन्हें और उसके अंदर उनके डेटा नहीं मिल रहा कि उनका होस्ट आईडी क्या है, पोर्ट आईडी क्या है। एंड सेकंड ये प्रॉब्लम हो रही है जिनके पास 10-10 ब्रोकर हैं फॉरेक्स के अंदर, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनके पास मल्टी होस्ट आईडी आ जा रही है और मल्टी पोर्ट आ जा रहे हैं, तो वन बाय वन चेक नहीं कर पा रहे। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो अगर मैं आपको दूँ या हमारी टीम आपको दे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और वन बाय वन स्टेप फॉलो करना, तो आप इजिली विदाउट किसी वेबसाइट के अपने फाइल को डिकोड कर पाओगे। करने का तरीका सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको अपना MT4 और MT5 खोल लेना। मैंने अभी के लिए MT5 खोल रखा है, आपका MT4 और MT5 डजंट मैटर, आप उसे लॉगिन कर लेना। तो अभी के लिए मेरे पास जो अकाउंट है वो OctaFX डेमो का है। आपका कोई भी अकाउंट हो, डजंट मैटर, किसी भी कंपनी का फॉरेक्स का अकाउंट हो, वो इधर लॉगिन होना चाहिए सबसे पहली चीज। जब वो इसे लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद मेरे पास देख सकते हो संडे है तो बहुत सारी ट्रेड लगी हुई, डेमो अकाउंट पे बहुत पहले की ट्रेड लगी होगी, टेस्टिंग करते रहते हैं, तो ये अभी ऑर्डर कट भी नहीं रहे। तो कहने का मतलब मेरा ये डेमो अकाउंट लॉगिन है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपको टास्क मैनेजर खोल लेना है। मेरे पास विंडो 11 है, आपके पास विंडो 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है। आप गूगल पे देख लेना टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं। मैं अभी टास्क मैनेजर लेके आ जाता हूँ, मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं यहाँ से टास्क मैनेजर स्वाइप करके लेके आता हूँ। हाँ, ये रस आ गया, तो अभी मैं आपके सामने खोल देता हूँ। आपको एक मिनट रुक जाइए, हैंग हो रहा है। हाँ जी, इस तरीके से अपना टास्क मैनेजर खोल लेना है। तो ये देख सकते हो मेरा टास्क मैनेजर ये ऐसा है, आप अपनी साइड से खोल लेना आपका टास्क मैनेजर। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट आप खोल गूगल पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है परफॉर्मेंस पे। हो सकता है हम दोनों का UI एक जैसा ना हो, आप यहाँ पर देख लीजिए जिस ऑप्शन का नाम ले रहा हूँ आप देख सकते हो। तो आपको परफॉर्मेंस में जाना है, जैसे आप परफॉर्मेंस में जाओगे आपके सामने इस तरीके का UI आ जाएगा। तो विंडो 11 के अंदर तो ये 3 डॉट होती है और यहाँ पर लिखा होता है रिसोर्स मॉनिटर, पर आपके केस में नीचे ही लिखा हो सकता है विंडो 10 है तो रिसोर्स मॉनिटर ओपन में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं अभी के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिसोर्स मॉनिटर पर क्लिक करूँगा विंडो चेंज हो जाएगी और एक पॉपअप आएगा, सॉरी पॉपअप यहाँ पर आया, मैं इस पॉपअप को लेके आ जाता हूँ और ये आपके सामने खोल देता हूँ। इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो सबसे पहले आपको जाना ओवरव्यू में। मैं ओवरव्यू में आ गया और यहाँ आने के बाद आपको terminal.exe फाइल खोलना है। हो सकता है आपके केस में terminal64.exe फाइल हो, मैं दिखा देता हूँ, मेरे केस में 64.exe फाइल है, तो आपको ढूंढना है ये रही। आपको क्या करना है, पहले ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ ओवरव्यू पे होने चाहिए। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे मेरी ये terminal64.exe फाइल है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और ऊपर जाओगे स्क्रॉल अप करके, तो यहाँ पर दिखेगा ये क्लिक केबल है, मतलब आपने इसे क्लिक कर रखा है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेटवर्क में जाना है, ध्यान रखना नेटवर्क में। जैसे ही नेटवर्क में जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे नेटवर्क में जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा, या हो सकता है आपके सामने है ना इस तरीके से बंद हो, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका नाम है TCP कनेक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर IP दिखेंगे, आपको क्या करना है उस IP को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हो, पूरा ही पेस्ट कॉपी होगा और बाद में आप IP निकाल लेना। तो आपको क्या करना है, इधर मल्टी होंगे ना, तो आपको ये देखना है लेटेंसी किस में आ रही। तो अभी मेरा लॉगिन अकाउंट है MT5, तो उसी में लेटेंसी आएगी। तो लेटेंसी अगर देखोगे इधर देखो 221 आ रही, 221 लेटेंसी आ रही, तो इट्स मीन जो मेरे MT4 का होस्ट ID है वो ये है। तो आपको होस्ट आईडी जो मिलेगी वो रिमोट एड्रेस के अंदर मिलेगी, ये होस्ट आईडी है, और रिमोट पोर्ट के अंदर आपको पोर्ट आईडी मिलेगी। तो जैसे कि आप लेटेस्ट वीडियो जो पीछे की वीडियो है उसके अंदर देखा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप होस्ट आईडी ऐड करो और पोर्ट आईडी ऐड करो, अपना नेक्स्ट अपनी आईडी और पासवर्ड ऐड करो। तो आईडी पासवर्ड तो आपके पास होता है, पर आपके पास होस्ट आईडी और पोर्ट आईडी नहीं होती, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसे कॉपी करना और किसी नोटपैड पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको रिमोट एड्रेस कॉपी करके डालना है और ये डालना है। एज एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी इन सबको बंद करता हूँ। हम नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे गए और यहाँ जाने के बाद हमने एड API पे क्लिक करा और यहाँ गए MT4 की API पे, MT4 MT5 की। तो यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ कोई भी नाम दे दोगे, मैं डेमो दे देता हूँ, ये तो कोई
इधर आपके पास आईडी होगी, यूजर आईडी जिसका आप अकाउंट यूज कर रहे हो उन्होंने यूजर आईडी दे रखी होगी और पासवर्ड भी होगा, बस ये दोनों चीजें नहीं होती। तो आपको अपनी होस्ट आईडी डालनी है और पोर्ट आईडी डालनी है, जो कि आपको रिमोट एड्रेस के अंदर होस्ट आईडी मिल जाएगी और रिमोट पोर्ट के अंदर आपको पोर्ट आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है और सेव कर देना। सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एपीआई आ जाएगी, मैं दिखा देता हूं आपको, ये गए हम, तो इस तरीके से एपीआई आ जाएगी। तो आपकी ये ऑफ होगी, पहले तो आप इसे ऑन कर लेना, मैंने आपके सामने ऑन कर ली। उसके बाद आपको कनेक्शन पे क्लिक करना है, जैसे कनेक्शन करोगे यहाँ सक्सेसफुली कनेक्शन आ जाएगा, बट यहाँ पर भी कंफर्म नहीं होना कि आपका सक्सेसफुली कनेक्शन बन गया है। उसके लिए आपको गेट सिंबल पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपके सिंबल आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका सक्सेसफुली कनेक्शन बन गया। ऑर्डर कैसे डालते हैं इसकी वीडियो तो मैंने पहले ही डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा कि ऑर्डर डालते कैसे हैं ट्रेडिंग व्यू से, वो आप देख लेना, फिर आप टोटली ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।